नमस्कार। साहित्य सृजन करने वाले बहुत से साहित्यकार ऐसे हैं जो सिर्फ साहित्य सृजन पर ही फोकस किया करते हैं, लेकिन यह बात भी किसी से छुपी हुई नहीं है कि बहुत से लेखक ऐसे हैं जो फायदे और नुकसान का आकलन करके ही साहित्य का सृजन करते हैं। अस्तित्व, भाषा, संस्कृति और विरासत के आज के अंक में आपकी मुलाकात करवाएंगे एक ऐसी शख्सियत से जो वही लिखती हैं जो उनके दिल को छूता है, और वह लिखती हैं जो पाठकों के दिल को छू जाता है। मेरी मुराद उषा किरण जी से। मैडम, आपका एक अच्छे स्टूडेंट में बहुत बहुत जी आपका धन्यवाद, हार्दिक आभार आपका कि आपने मुझे यहाँ आने का सुअवसर प्रदान किया, धन्यवाद। एक्चुअली हमारे जो कार्यक्रम का फॉर्मेट है हिंदी में जी, इसलिए ये मुश्किल है कि हमें हिंदी में ही बात करनी पड़ेगी, वरना आपने तो डोगरी में इतना कुछ लिखा है जी। डोगरी में लिखने के लिए आपको किसने प्रेरित किया? जी, एक तो मेरे साथ बहुत सारी कुछ ऐसी दुर्घटनाएं हुई जिसकी वजह से ह्यूमिलेशन जो है परिवार में वो चलती रही निरंतर, कितने वर्ष तक अश्रुधारा इतनी बही। उसके बाद मेरे पिताजी चल बसे तो वो मुझे सपने में मिले, तो उन्होंने ही मुझे पेन कॉपी दिया, उन्होंने मुझे प्रेरणा दी कि कुछ लिखो। तो जो मैंने पहला गीत लिखा था वो उन्हीं को बुलाते बुलाते जैसे वो चले जाते हैं छोड़ के मुझे सपने में, तो मैं अश्रुपूरित तो मेरी आँखें थी तो वही। दूसरा, कुछ वर्ष पहले आज का दौर नहीं था जैसे आजकल आपको पैकिंग में सब कुछ मिलता है, नहीं, हमारे घर के सामने किराना की दुकान थी, वहाँ से कोई जीरा लाना अपने मिर्ची व्हाटसोएवर, तो वो पेज उसमें कागज की पुड़ी में, तो मैंने कागज की पुड़ी में लाया वो, तो जब डिब्बी में उसको रखा उसमें एक छोटी सी कविता थी, मुझे अब वो याद नहीं कितनी किसकी थी, लेकिन वो सुदर्शन रतनपुरी जी अखबार निकालते थे, मेरे ख्याल में परचोल उसका नाम रहा होगा, वहाँ मैंने वो पढ़ा, मेरे को अंदर से ये हुआ कि ये भी एक लड़की है, जब ये लिख सकती है तो मैं क्यों नहीं, तो मन के भावों को फिर एक बार किसी की लोकार्पण था किसी की पुस्तक का, वहाँ मैं गई हूँ, तो कोई वितरित कर रहे हैं पुस्तकें, तो सभी को पुस्तकें वितरित हो गई, तो आई वॉज इग्नोर्ड, मुझे कोई जानता नहीं था। अच्छा। तो मैंने मन ही मन सरस्वती माता को अर्चना की कि माता रानी क्या वो भी दिन आएगा कि मैं भी ऐसे ही किताबें बांटूंगी, तो लगता कि वो सुन रही थी वो, तो ऐसे जैसे एक फव्वारा जैसे आता है ना, ऐसे बरसात होती है ना जैसे बड़ी बारिश होती है, वैसे मेरे पे माता रानी ने अक्षरों की बारिश की, तो आज मैं पूर्णतः संतुष्ट हूँ जी। ये हमारे लिए भी बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि आप पे वो बारिश हुई जी, अक्षरों की जी, और डोगरी साहित्य में आप जैसी कवित्री मिली, ये आपका महानता है आपकी। तो उसके बाद अक्षरों की बरसात होने के पश्चात मेरे आंसू जो एक एक था वो अक्षरों में परिवर्तित हो गया, तो अब मैं पूर्णतः संतुष्ट हूँ, अब मैं रोती नहीं, टोटली सेटिस्फाइड, जैसे कोई संत महात्मा मीरा जैसे होते हैं ना, वैसी मेरी दिनचर्या है, कोई किसी से राग द्वेष कुछ नहीं, टोटली सेटिस्फाइड, ये मेरे आज की जिंदगी है जी, जी जी। तो आप क्या समझते हैं कि जैसे कि ये हिस्ट्री है जी डोगरी साहित्य की जी, कि पहली किताब के बाद जो दूसरी किताब लिखेगी जी ललिता मेहता जी मैम ने लिखी, उनका नाम सुई धागा जी, जी सुई धागा जिसे हम जी, बोलते जी, हैं, उसके बाद आप क्या समझते हैं कि डोगरी भाषा में जी फीमेल राइटर्स का आगमन कैसा रहा? ठीक है, चल रहा है वो, उस दौर की बात थी, आज के दौर की बात है, आजकल थोड़ा फास्ट चल रहा है, सोशल मीडिया है ये वो, उस जमाने में जो था, ललिता जी का अपना एक नाम है, एक स्थान है उनका साहित्य में, तो उस जमाने में भी अच्छे लेखिकाएं लेखक थे, आज के ज़माने में तो एक से बढ़ के एक हैं, लेकिन अंतर ये है कि कोई निस्वार्थ भाव से लिख रहे हैं और कोई किसी और की ओर दौड़ रहे हैं, ये है। तो साहित्य मींस जिसमें हित सन्निहित होता है, जिस साहित्य में जिनको परिभाषा ही नहीं पता साहित्य क्या होता है, जिसमें हित की भावना ही नहीं है,
वो क्या साहित्य हुआ जो एक मोटिव को लेके कि बस मुझे इनाम मिले, इनाम मिले somehow, come what में इनाम इनाम, वो साहित्य नहीं, जो आपके अंतर्मन से निकलता है, वेदना पीड़ा निकलती है, वो आप उसमें उकेरते हो कागज पे वेदना की कलम से, वो साहित्य है। बिल्कुल जी, इनाम मिलना तो बहुत देर के बाद आरंभ हुआ, उससे पहले भी साहित्य रचा जा रहा था जी, लेकिन उसके बाद ज्यादा साहित्य रचा जाने लगा जी। लेकिन जब भी एक किताब पे अवार्ड मिल जाता है जी, फिर वो कई कुछ ऐसे साहित्यकार हैं जो नाम नहीं लेना चाहिए, उसके बाद वो थोड़े से शांत हो जाए, एज इफ उनका मोटिव यही था नहीं, हमारा भाषा के प्रति, चाहे हमारी डोगरी भाषा है, हिंदी भाषा है, उसको हमें जननी के रूप में स्वीकार करना होगा, उसके प्रति हमें बिल्कुल प्रतिबद्धता निभानी चाहिए, वो साहित्य होता है जी। पहले आमतौर पर साहित्य को पेश करने के लिए ज्यादातर कवि गोष्ठियां हुआ करती थी जी, जी। तो कवि गोष्ठियों के माध्यम से ही देखा जाए तो डोगरी भाषा को प्रचार भी मिला जी, जिसमें हम कह सकते हैं कि दीनू भाई पंत जी ने जी, बहुत बड़ा रोल निभाया। क्या बात है, हाँ जी। उसके बाद रामनाथ शास्त्री जी ने एज ऑर्गेनाइजर, तो लोग नाटक भी देखने आया करते थे, जैसे सरपंच हुआ, उसके बाद वहीं पे मुशायरा हुआ वो करता था, बाबा जी तो भी हुआ। आप क्या समझते हैं कि गोष्ठियां तो आज भी हो रही हैं जी, लेकिन वो जो आत्मा होती है गोष्ठियों की, क्योंकि उस वक्त जब गोष्ठियां हुआ करती थी तो गोष्ठियों के बाद और भी राइटर पैदा होते थे, होते थे, प्रेरणा मिलती थी ना, आदान प्रदान प्रदान विचारों का होता था। तो आज के दौर में मैंने देखा जैसे ग्रुप्स बने हुए हैं, जब तक एक दूसरे को नीचा ना दिखा लें, यहाँ जी आपकी ये गलती है, ये नहीं, जो जैसे आपकी गोष्ठी हो रही है उसमें जो प्रेजाइड कर रहे हैं ये उनका दायित्व है, वो किसी को एनकरेज करें या किसी को मार्गदर्शन करें कि ऐसे ऐसे, ये जो आज नए नए हो रहे हैं ना, जो परिपक्व है ना, जिन्होंने ज़्यादा काम किया है, वो अपनी जड़ों से जुड़े हुए हैं, जो नए नए आ रहे हैं ना, इनको अभी इतना जरूरत नहीं है किसी को क्रिटिसाइज, वही आकलन भी करने लगे हैं। हाँ जी, हाँ जी, वो उसूल के विरुद्ध है जी जी। तो आप क्या समझती हैं कि जो पहले साहित्य लिखा जा रहा था जी, जो आज लिखा जा रहा है जी, उसमें सामंजस्य है? बिल्कुल बिल्कुल जी, है ना, जो पहले अपनी बातें करते थे, आज की समस्याएं अलग हैं, आज वैश्विक स्तर पर समस्याओं को डिस्कस किया जा रहा है लिटरेचर के माध्यम से। डोगरी भाषा को प्रचार प्रसार देने में जी घर की बहुत बड़ी भूमिका रहती है। बिल्कुल बिल्कुल, घरों में आजकल डोगरी बोली नहीं जाती, नहीं जाती, इसके लिए जो माता पिता हैं वही जिम्मेवार हैं, है ना, तो उनको पहले अपने बच्चों को सिखाना चाहिए, अपनी सभ्यता संस्कृति के विषय में ज्ञान उनको देना चाहिए। आजकल वही है, ये इस मोबाइल ने तो ज़्यादा ही कर दिया है, तो बच्चों की जो झुकाव है, इंक्लिनेशन है, वो उधर ही हो गई है, लेकिन फिर भी हम सभी का ये दायित्व बनता है कि हम अपने बच्चों का, अपने आने वाली पीढ़ियों का, उनको हम मार्गदर्शन करें, उनको संस्कारजन्य करें, तभी साहित्य जो है अच्छा साहित्य उभर के समक्ष सभी के आएगा। मुझे याद पड़ता है कि दीनू भाई पंत जी की कविता इतनी प्रसिद्ध थी, शहर पहलू पहल गई, मजदूर वाला, हाँ मजदूर भी किसाना वाली भी बड़ी, तो मेरे घर में मुझे पापा भी कई बार वो सुनाया करते, हालांकि उनको नाम नहीं पता था कि लिखी किसी ने, जी जी जी, लेकिन आजकल के जो राइटर हैं उनको सुनाना पड़ता है कि मैंने ये लिखा है। सही सही कह रहे हो आप, बिल्कुल। तो वैसी ही रचनाओं का अभाव है आज के दौर में जी, जो एक मुहिम नहीं, देखा देखी है कि वो ये कर गया, मैं क्यों ना करूं, उसमें वो हित की भावना नहीं है जी, सीधी बात है। जो कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, जो जिनको बढ़ावा देना चाहिए साहित्य को या कला जी, को जी, उसमें जो भी एनजीओ कह लीजिए या कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो रीजनल लेवल पे हैं, या जेएनके एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस है, उनका कितना दायित्व समझती हैं आपकी भाषा को प्रचार देने के लिए, या उनको मंच प्रदान करने के लिए जिनको मंच उपलब्ध नहीं हो पाता जी। जैसे जम्मू में तो चलो ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन भी हैं, अकेडमी भी यहाँ पर थोड़ी अग्रसर रहती है, जी, जी। पिछले कुछ दिनों से अग्रसर नजर आ रही है, अग्रसर, हाँ, थोड़ा सा वहाँ में परिवर्तन आया ना, परिवर्तन इसी वजह से, हाँ जी। तो वो काम हो रहा है, लेकिन दूर दराज में जहाँ पे बेसिकली डोगरी बोली जाती है, डोगरी में शुद्ध डोगरी में लिखा जाता है जी, उनको मंच कैसे प्रदान हो? ये तो फिर यही जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, संस्थाएं हैं, इनको सभी को एक मंच पे लाना चाहिए, है ना। जब आपकी असमानता दूर हो जाएगी, समान रूप से
समभाव समदृष्टि से कार्य होंगे कार्यालयों में भी, तो तभी हमारी भाषा प्रगति की ओर अग्रसर हो सकती है। ये भाई भतीजावाद, ये मेरा रिश्तेदार, ये मेरा भाई, ये मेरी बहन, ऐसे साहित्य प्रगति नहीं करता, ऐसे नहीं करता। साहित्य को सेवा की तरह किया जाए तो बिल्कुल बिल्कुल, उनको बिल्कुल पैरिटी से देखना चाहिए इन ऑर्गेनाइजेशन को, बिकॉज उनको यही जिम्मेवारी सौंपी गई है कि आपने कैसे उसको अपलिफ्ट करना है, है ना जी, आपने कैसे साहित्य को एलिवेट करना है। जब वहाँ ही वो चला कि ये अपना नहीं है, इसका नाम काटो, उसका लिखो, ये साहित्य नहीं, बड़ा दुख होता है, ऐसी परिस्थितियाँ देख के बहुत दुख होता है। आपने अब तक की कितनी किताबें आपकी प्रकाशित हुई? जी मेरी 8 7 किताबें, एक मेरा म्यूजिक एल्बम है तुंदे ले, और 8वीं जो है वो प्रकाशित हो जाएगी। हाँ जी हाँ जी। तो आपके ज्यादातर विधा वही रही है, पोइट्री? पोइट्री, गीत मेरे रेडियो में कितने सारे हैं आपको पता ही है, और ज़्यादा मैंने जो इस पे लड़की पे जो असमानता होती है उस पे, या ये गर्ल चाइल्ड पे जो होता है इनजस्टिस, उस पे लाता है। तो साहित्य का आप समझते हैं कि एक दायित्व ये भी है कि समाज में फैली कुरीतियों को भी, वही तो तभी समाज तरक्की करेगा ना, ऐसे नहीं ना करेगा, ठीक है ना। जैसे भ्रूण हत्या की बात मैं करूँ, बहुत सारा मैंने लिखा है, तो घर घर में जाएगा, जैसे टेक वन पे अभी भी चलता है, कुत्ते गेंगे अम्मा मेरे इससे दी लोरियाँ, है ना, लोगों में जागृति आती है कि ये कितना पाप है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसा लड़की को हक है आने का इस संसार में, वैसा लड़के को है, तो फिर असमानता क्यों है ना जी। बिल्कुल, जो आजकल का जो यूथ लिख रहा है, लिख तो बहुत रहा है, क्योंकि जैसे हमारे पास किताबें प्रकाशित होती हैं जी हर वर्ष, बहुत सारी किताबें प्रकाशित होती हैं डोगरी भाषा में और अलग अलग विधाओं में होती हैं जी, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगी कि कैसा साहित्य रचा जाना चाहिए और किस मानसिक स्थिति से गुजरते हुए वो रचा जाना चाहिए और क्या चीज पेश की जानी चाहिए जी, साहित्य जी, के माध्यम से? चीज ऐसी पेश हो जिससे समाज की प्रगति हो, ठीक है, तो साहित्य वो रचा जाना चाहिए जिसमें समाज का हित हो, सीधी सी बात है। और ऐसा साहित्य तभी रचा जाएगा जब आप उसके प्रति नतमस्तक होके, उसमें डूब के, आत्मसात करके हर एक चीज को आप लिखेंगे, तो आपका फिर तो भविष्य सुनहरा ही हुआ ना। तो अगर ये है, देखा देखिए उसने ये लाइन लिखी, उसको तोड़ा मरोड़ा हिंदी को डोगरी में किया, वो साहित्य नहीं, साहित्य आपके अंदर से आता है, पीड़ा जितनी होगी उतना आपका अमर रहेगा साहित्य। क्या साहित्य जो पब्लिश होता है वो आपको संतुष्टि देता है, या किसी ने आपका जिक्र करके आपने लिखा, या संतुष्टि? मेरे में ये चीज नहीं है कि किसी ने बोला उषा किरण ने मुझे ये चीज बनने, इन बातों से ऊपर हूँ। इनाम मुझे, आजकल की जो प्रक्रिया चल रही है इनाम की, जैसे कुंडी फसानी ये वो गलेल गाटी, मैं बिल्कुल परे हूँ। मुझे इनाम मिले या ना मिले, मुझे ऐसी इच्छा ही नहीं है। मुझे आप जैसे भाई मिले, बहुत अच्छे अच्छे लोग मिले, आदरणीय पद्मा सचदेव, पद्मश्री पद्मा सचदेव जी मिले, ज्ञानेश्वर जी जैसे, इंद्रजीत जी जैसे भाई मिले, शिव निर्मोही जी मेरी प्रेरणा है, मेरे फादर फिगर हैं, ऐसे लोग जो मुझे मिले, तो ये इनाम से कहीं बढ़ के। तो साहित्य सृजन बेसिकली आत्मसंतुष्टि के लिए होता है? आत्मसंतुष्टि नहीं, यू हैव टू गिव समथिंग टू अवर सोसाइटी, सोसाइटी के साथ, यस, आप एक मिसाल पेश करके जाओ, है ना। मेरी एक डोगरी कविता है, मुझे पूर्णतः याद नहीं होगी, यतन कर जे तेरे इथुआ जाने दे परंत, ओई निजा तेरे चेते दा अंत, है ना। ये है कि कुछ बेंचमार्क यहाँ हमें छोड़ के जाना चाहिए। आज रेडियो में या कहीं भी कोई चर्चा करेगा ना, राजेश्वर जी इतना काम करते हैं, देखो उषा किरण के गीत में कितना दर्द है, ये इनाम से बढ़ के चीज है, ये यही नाम है, आई थिंक उससे ज्यादा, उससे ज्यादा है, ठीक है ना जी। यहाँ पे हमारे पास एकेडमी भी है, जम्मू यूनिवर्सिटी में विभाग भी है जी, लेकिन जब भी हम अपने, क्योंकि हमारा जो बेसिक टॉपिक है वो है अस्तित्व, भाषा संस्कृति और विरासत के माध्यम से बचाने का प्रयास जी, जो जम्मू विश्वविद्यालय से जो भी पीएचडी होती हैं डोगरी विभाग से, हाँ जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि उनपे जो विषय रहते हैं वो आमतौर पर इतिहास को टच नहीं करते, नहीं करते, वो वही हो जाता है कि इस दहाके का, इस दशक का कहानी, इस दशक की निबंध, इस दशक की पोइट्री जी, क्या इससे बढ़कर ऐसे कैसे हम होते हैं? इस विषय में विभिन्न किस्म की बैठकें जो हैं, विभागीय बैठकें करनी चाहिए। और जैसे अभी 2 दिन पहले साहित्य एकेडमी का 2 दिवसीय सेमिनार हुआ, ऐसी जो बातें हैं ना, जैसे आपके पॉइंट्स हैं,
ये उसमें रखे जाने चाहिए ताकि वो लोग और ज्यादा सुधार कर। तक आपने पीएचडी करनी है, जी वर्ष जी का टाइम होता है, बिल्कुल। तो 5 वर्ष में आपने वो काम करना है जो सोसाइटी को, अगर साहित्य सृजन सोसाइटी के लिए किया जा रहा है जी, तो जो आप पीएचडी लेते हैं जिसके माध्यम से आप डॉक्टर का नाम लगाते हैं जी, तो वो भी कुछ ऐसी चीज होनी चाहिए कि सोसाइटी को देखकर जाए या अपने अस्तित्व के बारे में कुछ एक दस्तावेज बने। बिल्कुल बिल्कुल सही बोला आपने, ऐसा ही बेंचमार्क हमें छोड़ना है कि दूसरे जो स्टूडेंट्स आने वाले जो पीढ़ियां हैं वो संस्कार जन्य हों, वो अपनी संस्कृति के प्रति जागृत हो सकें, ऐसा होना चाहिए। आप क्या समझते हैं कि जम्मू में जो डोगरी बोली जा रही है, ऐसा कहा जाता है जम्मू में जो डोगरी बोली जाती है वो मिक्सचर है, लेकिन जो रिमोटेस्ट एरियाज में डोगरी बोली जा रही है वो बेहतर है जी, तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पे भाषा अलग से बोली जाती है, यहाँ पे अलग से बोली जाती नहीं है। हम लोग थोड़े से ना जैसे डोगरी बोलने में हम लोग मीन्स हम लोग नट मी एंड यू सभी इसमें आ गए, तो उसमें एक्टिंग हम लोग करते हैं, जैसे कुड़िए तू के करानी, कुछ नहीं का, कुछ नहीं तो डोगरी का लफ्ज नहीं, किस नहीं करानी, हमें गर्व महसूस होना चाहिए अपनी भाषा के प्रति, है ना, जो हमें शब्द हम घर में इस्तेमाल करते हैं, क्यों ना कुड़िए तो रोटी खाओड़ी, तो वो ऐसे कोई और बोलेगा तो वैसे वो पंजाबी टच आएगा, वो क्या वो नहीं, वो आपके वो नहीं है, भाषा के प्रति आपकी डेडिकेशन नहीं है, एक्टिंग है, एक्टिंग है, क्यों यार, अपनी माँ है, माँ के साथ आप बात करने में एक्टिंग क्यों करोगे, ठीक है ना जी, भाषा को बचाने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए, वो घर से ही प्रयास होने चाहिए, बिल्कुल घर से, बिल्कुल। तो जो ऑर्गेनाइजेशन दम भरते हैं कि हम भाषा का विकास के लिए काम कर रहे हैं, तो उनको वास्तव में ईमानदारी से काम भी करना चाहिए, ईमानदारी से करना चाहिए, ऐसा ही है जी, आपके समक्ष है सब कुछ, है ना जी, जी, जी। वही मुझे एक इंटरव्यू में किसी ने पूछा, ग्रेटर जम्मू में राजकुमार जी कर रहे थे, कहते हैं आपको कभी महसूस हुआ इनाम, मैंने कहा नहीं, आप लोग मेरे लिए इनाम हो रहा, आई नेवर थिंक, सीरियसली स्पीकिंग नेवर थिंक। आप समझती हैं कि इनाम की प्रक्रिया जब से शुरू हुई साहित्य को कुछ ठेस पहुंची है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल पहुंची है, क्योंकि आपका जो रुझान बदल भेड़ चाल हो गई है, बस वही है, उधर ही है, साहित्य के प्रति नहीं है, एक दूसरे को नीचा दिखाना, यार साहित्य की परिभाषा ये तो नहीं है, बिल्कुल हित हित तो होना चाहिए, सर्वहित है ना, समदृष्टि संभव नहीं होगा, दिल में आपके जहर होगा, आप कहेंगे मैं बहुत लिखूंगा, है ना, तो अहंकार नहीं होना चाहिए, फॉर इंस्टेंस मैं ही बोलती हूँ कि जी पद्मा सच दे बढ़िया किताबा लिख दी है, मैं लिखी है 10 की, यही अहंकार है, हम उनका पद्मश्री पद्मा सचदेव जी हमारे लिए अपने माता जी के समान हैं, वो हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते, उनसे प्रेरित होकर काम, प्रेरणा लें हम, प्रेरणा लें, ये नहीं है कि हम वही वो गई ज्यादा, इट मीन्स देखो आप जो उगल रहे हैं वही आपके अंदर है, तो आप उगल रहे हैं, है ना, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। चलो उम्मीद करेंगे कि जो भी सुन रहे हैं वो ये बात समझेंगे कि साहित्य असल में समाज को देने के लिए है, बिल्कुल अच्छा लिखा जाना चाहिए, साहित्य समाज का दर्पण है जी, तो ये किसी का उठाकर अपने नहीं 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 वो तो पाप पाप, वो उनको अपनी आत्मा के जो उनके कीड़े हैं ना वो उनको खाते रहेंगे, क्योंकि आमतौर पे लोग सोचते हैं ना किसी को पता नहीं है, लेकिन इंटरनेट का नहीं नहीं आजकल आजकल के दौर में सोशल मीडिया के दौर में सब ओपन है, ओरिजिनल है, मौलिक है, वही बच पाएगा, ऐसे लोगों को धिक्कार है जो ऐसा साहित्य इनाम पाने के लिए जो ऐसे गलत काम कर रहे हैं, बहुत शर्म की बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं हूँ, मुझे आपका स्नेह चाहिए, आपका मार्गदर्शन चाहिए, मुझे छोटे से लेके बड़े तक सभी को मैं अपना परिवार समझती हूँ, मुझे कोई भी गैर नहीं लगता, ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये है, किसी के पॉलिटिकल इश्यूज होंगे ना, हमने आगे जाके अपने कर्मों का हिसाब देना है, पहली बात तो ये है, तो वैसे भी अगर भाषा की बात हो तो हम किसी का हित नहीं करेंगे, कम से कम अहित तो नहीं ना करें, अगर हम किसी को क्रिटिसाइज करेंगे, अपने जो हमारे माता पिता है ना, सोचो हम उनको बदनाम कर रहे हैं, कोई कहेगा कि संस्कार, बिल्कुल जो आपको घर से मिला होगा आप वही वितरित करोगे, आपको गलत बातों की शिक्षा मिली होगी तो आप समाज को इसका मतलब दूषित कर रहे हैं, आप साहित्य संस्कार भी देता है जी जी बिल्कुल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका राधर, मुझे आपका आभार, हार्दिक आभार है, आपने मुझे इतना अच्छा सुअवसर प्रदान किया यहाँ निमंत्रण देने का, आपका पुनः 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 धन्यवाद, धन्यवाद जी। अस्तित्व भाषा संस्कृति और विरासत की आज के अंत में बातचीत सुनी आपने उषा किरण किरण जी से, जिन्होंने कहा कि साहित्य सृजन इस मानसिकता के साथ किया जाना चाहिए कि वह समाज को कुछ अच्छा परोस सके, सार्थक दिशा दिखा सके। अब कैमरा पर्सन
करण सिंह के साथ राजेश्वर सिंह राजू को दीजिए इजाजत। नमस्कार।